पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मातृमंडल सेवा भारती का प्रांतीय 6 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन सेवा भारती बालिका विद्यालय मुरादाबाद में किया गया। आयोजित 6 दिवसीय आवासीय शिविर में पूरे प्रांत से लगभग 86 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के विषय में प्रांत प्रचारिका मातृमंडल मेरठ प्रांत देवी नंदा ने बताया कि आवासीय शिविर में छात्राओं को आत्मरक्षा के साथ साथ योग गीत कौशल विकास के गुर सिखाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रांत मंत्री डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने बताया कि जिस प्रकार बालिकाओं को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, उसी से बचाने के लिए अब इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मानसिक और शारीरिक अभ्यास कराकर बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं मुरादाबाद वर्ग अधिकारी डॉक्टर शशि चौहान ने बताया कि छात्राओं को 6 दिवसीय शिविर में आत्मरक्षा के गुण, चिकित्सा, संस्कार आदि सभी सिखाया जाता है। साथ ही सभी छात्राओं को लव जिहाद जैसे अहम मुद्दों पर जानकारी दी जा रही है। इस दौरान सेवा भारती मातृमंडल मेरठ प्रांत की प्रांत प्रचारिका देवी नंदा, प्रांत मंत्री डॉक्टर रश्मि गुप्ता, वर्ग अधिकारी डॉक्टर शशि चौहान, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर बबीता गुप्ता, पुष्पांजलि पटेल, सोनिया, कुमकुम, अंजलि, अर्चना आदि शिक्षार्थी भी मौजूद रहे। मातृमंडल सेवा भारती का ये प्रांत का प्रशिक्षण वर्ग है। इसमें पूरे प्रांत से बहने आती है, बालिकाएं आती हैं। तो इसमें हम इन्हें सेवा भारती का जो विषय है, 4 विषयों का काम होता है, उसी के अंतर्गत इनको बालिकाओं को सक्षम बनाया जाता है। स्वावलंबी, आत्मरक्षा के गुण, चिकित्सा और संस्कार, ये सब इन विषय पर इनको सिखाया जाता है यहाँ पर, ताकि स्वावलंबी बने। और जो आज के समय में जो लव जिहाद जैसा विषय है, उस पर भी इनको समय समय पर दिया जाता है। सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके सारे सत्र लिए जाते हैं, उस सत्र के आधार पर इनको सब सिखाया जाता है। देखिए, ये निश्चित है कि जब बाल्यावस्था से कोई भी बिटिया युवावस्था में जाती है, तो किशोरावस्था में उसको नहीं पता होता कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है और क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में जो भी परिवर्तनशील समाज के अंदर कालांतर में घटनाएं घटती हैं, जो भी सिनेमा जगत की काल्पनिक संरचनाएं होती हैं, उनसे प्रभावित होकर वो अपने जीवन को दिशाहीन बना देती हैं और भटकाव जीवन में ले आती हैं। ऐसे में ही लव जिहाद के शिकारी, ये आपको पता ही है, अब ये कोई कहने की बात नहीं है, चाहे विरोधी कितना भी इसका विरोध करें, लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत हमारे देश के अंदर हिंदू बेटियों को बरगलाया जा रहा है, लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। तो ये बेटियां इसी तरीके से प्रभावित होकर अपने जीवन को समाप्त कर लेती हैं। तो सेवा भारती इस विषय में किशोरी विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलता है जगह जगह, और उन्हीं केंद्रों से ये बच्चियां पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 28 जिलों से ये बेटियां यहाँ आई हुई हैं। यहाँ हम इनको सांस्कृतिक, मानसिक, शारीरिक और आत्मरक्षा के गुण सिखाकर इनको पूरी तरीके से सबल बनाते हैं, इनको इनका अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं, इनका व्यक्तित्व निखारते हैं, इनको सुसंस्कृत बनाते हैं, संस्कार देते हैं। और लव जिहाद के विषय में किसी भी तरह से कोई भी प्रेरणा हो, वो सारी इनके सामने विशेषज्ञों को बुलाकर और समय समय पर डॉक्टर, वकील, हर तरीके की विशेषज्ञ बुलाकर हम इनको उसकी ट्रेनिंग देते हैं। जिस तरीके से कि अभी आपने देखा कि हथियार ना भी हो तब भी नियुद्ध सिखा कर कि जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, पेन है, मोबाइल है या केवल हमारा हाथ है, हमें केवल आत्मविश्वास को अपना हथियार बनाकर उस व्यक्ति को अपने से दूर करना है, मार के एक बार हटा देना है। और अगर उससे भी काम ना चले तो दंड चलाना भी हम इनको सिखा रहे हैं। हम छुरी चलाना, राइफल चलाना भी इनके नेक्स्ट शिविर में सिखाएंगे कि जिससे ये अपने आत्मरक्षा के गुण सीखकर अपने समाज में होने वाले षड्यंत्रों से अवेयर हो जाएं और उनके खिलाफ अपने आप को बचाकर अपने जीवन को उन्नत और इस देश के लिए एक सुसज्जित नागरिक बन पाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।